वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आस्काई कोड। आस्काई मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी हाँ, अमेरिकन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज आस्काई कोड। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे आस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी हाँ, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि आस्काई कोड होता क्या है। आजकल हम एट प्रेजेंट इंटरनेट के थ्रू जितने भी कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन हमारे लिए फैसिलिटेट हुई है, यानी कि जो हमें बेनिफिट पहुंचा रही है, डेट विल बी डन थ्रू द आस्काई कोड। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो थे उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, और आस्काई जो है वो करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड के लिए यूज़ की जाती है। ये जो है डेट इज़ यूज फॉर करेक्टर स्टैंडर्ड, करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर्स में जो भी हम डेटा वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं, प्रिंटिंग के कमांड दे रहे हैं, कोई भी स्कैन करना है, तो वो सारे डेट विल बी डन ओनली थ्रू द आस्काई कोड। सो इट रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस डेट यूज टेक्स्ट। सो वी कैन से अ क्विक रन डाउन ऑफ सम बेसिक आस्काई कोड्स। जैसे सपोज 0 है, ये नल करेक्टर है। ए है, ए हमारा अल्फ़ाबेट यानी कि उसकी आस्काई वैल्यू जो है वो 65 रहेगी। बी 66, सी 67। अगर यही चीज़ जो है स्मॉल ए है तो यही वैल्यू जो है वो हो जाएगी 97 आस्काई कोड की। आस्काई कोड 97 जो है उसकी आस्काई, सॉरी ए जो है उसकी आस्काई को वैल्यू जो है वो रहेगी 97। इसी तरह से ये देखिए मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अगर 40, अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करवाना है तो उसकी आस्काई वैल्यू रहेगी 48। ठीक है, तो 65 to 90 जो है वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो है वो आस्काई कोड की वैल्यूज़ हैं। लाइकवाइज 97 to 122 स्मॉल ई टू स्मॉल जेड वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ रहेंगी। इन आस्काई ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर बिटवीन 0 and 127। 0 and 127। सो 0 and 127 फॉर एग्जाम्पल द आस्काई वैल्यू फॉर द अपर केस लेटर इज 65 एंड स्मॉल ई वैल्यू हैविंग 97। सो स्पेशल करेक्टर लाइक स्पेस, पंक्चुएशन मार्क एंड कंट्रोल करेक्टर करेक्टर्स लाइक न्यू लाइन एंड टैब ऑल्सो हैव देयर ओन कोड्स। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आज हम जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ आस्काई कोड। जब मैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें यही नहीं पता लग रहा था कि आस्काई कोड है क्या, और हम एट प्रेजेंट उस आस्काई कोड को कहाँ यूज़ करते हैं। आस्काई मीन्स कंप्लीट, अगर इसकी फुल फॉर्म बोली जाए तो डेट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एट प्रेजेंट देखिए टेली कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर के थ्रू हम कोई भी कंप्यूटिंग कर रहे हैं, वहाँ हमें आस्काई कोड की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज इट इज़ अ करेक्टर एनकोडिंग मेथड। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप चेक करें तो दिस इज़ अ करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ओके, करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको इन्वेंट किसने किया था। डेट वॉज डन बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, सम आस्काई कोड्स हैं जैसे कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं।
अदर डिवाइसेस दैट यूजेस टेक्स्ट, जहाँ भी टेक्स्ट यूज होगा वहाँ पर हमें ASCII कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी। जी हाँ, सपोज 65 to 90 जो ASCII वैल्यूज हैं वो किसके लिए हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। जब भी हम कोई भी जो है कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कुछ भी लिखना चाहते हैं सिस्टम पे, तो उसके लिए वो ASCII में कन्वर्ट करेगा। देखिए मान लीजिए अगर हम कोई भी गारमेंट लेते हैं, कोई भी शूज लेते हैं, तो एक तो मिलता है हमें लोकल मार्केट से जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन जब वो ब्रांडेड है, ठीक है, जब वो एक कंपनी से आ रहा है, तो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके जो भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड होंगे, मान लीजिए कोई फैब्रिक है तो उसमें डिसाइड होता है कि इतना इसमें, इतना परसेंट इसमें जूट है, इतना परसेंट इसमें कॉटन है। अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, तो उसमें लेबलिंग ज़रूर होती है। लेबलिंग मीन्स दैट मीन्स देयर इज़ अ स्टैंडर्ड कि इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी जो है वो किस पर्टिकुलर सब्सटेंस की है। इसी तरह यानी कि हमने अब जो लैंग्वेजेस थी उनको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया, और लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज यानी कि अगर मैं ए यहाँ लिख रही हूँ और ये मेरे पास HP का सिस्टम है और ए की वैल्यू जो है 1011, सपोज 1011 मैंने लिखा है, लेकिन दूसरी कंपनी जो है वो ए को 1001 लिख रही है, तो जब हम दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो देर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बोथ ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए हमने प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करी, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने के थ्रू जो भी हम डेटा सेंड करते हैं वैसा का वैसा ही डेटा हमें रिसीव भी होता है, यानी कि जैसा सेंडर ने कोई मैसेज भेजा वैसा ही सेम मैसेज रिसीवर को रिसीव होगा। कोई जम्बल्ड फॉर्म में नहीं आएगा कि भेजा उसने ए था और यहाँ तक कन्वर्ट होते होते वो जेड हो गया, ठीक है। तो जैसा डेटा भेजा गया है वैसा ही डेटा जो है वो हमें भी मिलना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे 65 to 90 यहाँ हम यूज़ करते हैं कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 97 to 122 जो है वो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड रहता है। जीरो के लिए हम 48 यूज़ करते हैं, 1 के लिए हम 49 यूज़ करते हैं, 2 के लिए हम 50 ASCII वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, स्पेसेस हैं, पंक्चुएशन मार्क है, कंट्रोल करेक्टर्स हैं, न्यू लाइन है, टैब है, इन सब के लिए भी हमारे पास जितने भी कीबोर्ड पे एक छोटे से छोटा सिंबल भी आप यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, ASCII कोड विल बी देयर, ठीक है। सो इट इज अ करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सबसे पहले ASCII जो है ये 7 बिट करेक्टर कोड है, यानी कि अगर हम 2 की पावर 7 कर दें तो मैक्सिमम 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, वो बन जाएंगे। 8 बिट करेक्टर कोड जो है इट इज़ यूज फॉर एक्सटेंडेड ASCII। यहाँ जब हम 8 बिट करेक्टर्स की बात करते हैं वो हमारा एक्सटेंडेड ASCII में काम करता है। चलिए आके टाइम मिलेगा तो मैं फिर से इसके लिए भी लेक्चर बनाऊंगी, अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ASCII के ऊपर जो कि 7 बिट करेक्टर कोड है, ठीक है। तो 0 to 127 क्या हो गया, टोटल 128 ही हुए, यानी कि 2 की पावर 7, क्योंकि ये 7 बिट करेक्टर है तो ये देखिए 128 हो जाएगा। अगर यही 2 की पावर 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक दैट विल बी 256। तो 256 डिफरेंट करेक्टर्स के लिए जो है वो एक्सटेंडेड ASCII विल बी यूज्ड। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द स्टैंडर्ड कीबोर्ड करेक्टर एज वेल एज द कंट्रोल फंक्शन as return and line feed functions. The character encoded are numbers 0 to 9, letters small a to z, upper case letters capital A to capital Z, basic punctuation symbols, control codes,
ठीक है, इवन हम कॉमा लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमाज लगा रहे हैं, सेमी कॉलन लगा रहे हैं, जितना भी हम डेटा यूज कर रहे हैं वो सारा आस्काई में यूज होता है। ये जो है टेबल जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये मैंने किसी एक बुक से लिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे 32 जो है वो हम यूज करते हैं स्पेस, जो हम स्पेस बार प्रेस करते हैं ना बार बार, उसके लिए आस्काई कोड जो रहता है वो 32 रहता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है 33, कोट्स हैं यानी कि जो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं डेट इज 34, हैश सिंबल जिसको हम पाउंड भी बोलते हैं ये रहा 35। ठीक है, और डॉलर का साइन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके आस्काई वैल्यू 36 हो गई। यानी कि आप कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करते हैं, चाहे वो पावर का साइन है, चाहे वो कैपिटल ब्रैकेट्स हैं, चाहे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, टिल्ड का साइन है, हाइफन है, अंडरस्कोर है, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे हम एट द रेट यूज़ करते हैं तो उसका जो है वो डेसिमल भी बोल सकते हैं, और जो उसकी बाइनरी वैल्यू है वो क्या रहेगी, ये इस तरह से रहेगी। आई होप अगर आपने नंबर सिस्टम मेरे लेक्चर से करा है तो आपको नंबर कन्वर्जन्स अभी तक आती होगी कि हम किस तरह से नंबर कन्वर्जन्स को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये है 64, 64 का बाइनरी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, और ये जो करेक्टर्स हैं उस ये क्या है, ए ए का करेक्टर क्या है, ए का जो डेसिमल वैल्यू है वो 33 है। ठीक है, तो सॉरी ए की वैल्यू 65 है और उसकी बाइनरी वैल्यू ये। तो इस तरह से जो है वो हम ऑटोमेटिकली चेक करते रहते हैं कि किस तरह से उसकी डेसिमल कन्वर्जन होगी और बाइनरी कन्वर्जन होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए जैसे 0 to 31 आर यूज फॉर द कंट्रोल करेक्टर्स। अगर हम 0 से लेके 31 तक की बात करें आस्काई वैल्यूज की, तो वो सारे कंट्रोल करेक्टर्स के लिए यूज होती है, विच आर नॉट प्रिंटेबल, कहीं भी वो प्रिंट के काम में नहीं आ रही, जैसे बैक स्पेस और कमांड टू प्रिंट अ पेज और कंट्रोल द पेरिफेरल्स, जितने भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं लाइक पेन ड्राइव लगा दी, जो भी हमने एक्सटर्नल माउस लगाया है, कीबोर्ड लगाया है, तो जितने भी पेरिफेरल्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और इन फ्यूचर उनको यूज करेंगे, तो उन सबके लिए वी हैव अ डेफिनेटली आस्काई कैरेक्टर विल बी देयर। सो कोड 127 आर यूज्ड और प्रिंटेबल कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स लेटर डिजिट्स पंक्चुएशन मार्क्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव द आस्काई वैल्यू लाइक दिस बाइनरी वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, और फर्दर हमें क्या करना था, इसकी आस्काई वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो हमें ये पता है कि इसकी जो आस्काई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 बिट्स हैं, 7 बिट्स को हम क्या कर देंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, जैसे 0010, तो ये 88 बिट्स हैं यहाँ पर, तो एक्सटेंडेड आस्काई भी हो सकता है। लाइक हमने अगर यहाँ पर देखिए 45, देखिए ये 45 है, तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 8 बिट्स हैं, जब हम 8 बिट्स को फर्दर यूज करते हैं तो ये 45 का बाइनरी हो गया, जिसको हम यहाँ देखिए, यहाँ ये किसके लिए यूज हो रहा है, करेक्टर जो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूज करेंगे वो है बीच में जो हम हाइफन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हाइफन जो है वो यहाँ यूज हो रहा है, और फर्दर 8 बिट्स को हमने फिर से ग्रुपिंग कर दी, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 69, और 69 के कॉरस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू क्या, जो हम करेक्टर यूज करेंगे वो है ई। तो चलिए ये देख लेते हैं, ई 69 एंड द बाइनरी वैल्यू विल बी हियर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आस्काई कैरेक्टर। कई बार इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, और लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।